जब आज पूरे देश को नचा रही है झूठ और भ्रम के मकर जाल में फंसा कर, पूरे देश को गुमराह कर रही, जनता गुमराह कर रही है और चैनल को भी गुमराह कर रही है, जब चार दिन से लगातार भाजपा किसान मोर्चे के पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उसका नाम आ रहा है, तो कहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं। रही बात किसी गाड़ी के पास की, जहाँ तक बात करते हैं, पिछले 6-7 महीने से कोई पास बना ही नहीं है। मैं स्वयं जनवरी में पार्टी छोड़ने के बाद कोई विधानसभा गया ही नहीं। विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के बाद खाली हुआ तो 11 जुलाई को मैं विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 11 जुलाई के बाद अभी किसी भी व्यक्ति का पास मैंने बनवाया ही नहीं, तो कहां से त्यागी का पास हमारे यहां से बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, फौरेब है, तिकड़म है, अपने पाप और बला को किसी और पर डालने की नापाक कोशिश है। 18-19 का पास है, 2018-2019। अब बाबा आदम के जमाने की कोई बात कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहा हूंगा तो भारतीय जनता पार्टी कोई नेता कोई पदाधिकारी बनवा लिया होगा, मैं उसके विषय में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं कुछ नहीं। संबंध कैसे? शुरुआती दौर में जब मैं भाजपा में गया तो ये कह के मिला था कि मैं भाजपा का फला नेता हूँ, मैंने कहा कोई बात तो बताना। और ये शुरुआती दौर का मतलब 2017 की बात है और 2-4 महीने के बाद वो कभी दिखाई नहीं पड़ा। पिछले 4 साल से आज तक वो कभी मिला ही नहीं, तो कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यकर्ता हो गया। भारतीय जनता पार्टी बार बार अपना दामन बचाने के लिए दूसरे के सर भाड़ा फोड़ने की नापाक कोशिश कर रही है। प्रभुत्व बनाने का या राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा क्या? भाई हम कह रहे हैं महिला के अभद्रता की बात अभी हाल की है, किसान मोर्चा का पदाधिकारी रहा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा समिति में भी सदस्य रहा, उसको कई सुरक्षा कर्मी मिलते थे चलते थे के रूप में बोल रहे हैं, तो मैं कह दिया कि मैंने कोई पास नहीं दिया है। और साथ ही साथ पिछले 4 साल से हमारी उसकी कभी मुलाकात भी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार ये कहती है कि त्यागी का संबंध मौर्य जी से था। अभी 4 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी के रूप में चल रहा था, नड्डा जी के साथ उसका फोन था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनका टेलीफोन उसका फोटो था, केशवदेव मौर्य जी DPCM के साथ उसका फोटो था, भाजपा के तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका फोटो था, ये कैसे अपना दामन छोड़ा सकते हैं? आज जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं तो इनको स्वामी प्रसाद मौर्य याद आते हैं? जब भी आप आते फंसते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य याद आते हैं? इसलिए अब जब ये देख लिए कि चारों ओर से भाजपा घिर गई है, कटघरे में खड़ी हो गई है, तो अपनी बला